हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड BSNMC 2023 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके करेक्ट आंसर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्या आप एलिजिबल हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपको कौन सा कॉलेज अलाउट होगा, आपके कितने मार्क्स बन रहे, सारा आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मेरे पास सेट है, आपका सेट डी है, और आपका जो सेट है आप उससे एक बार क्वेश्चन को मैच आउट कर लेना कि आंसर आपका करेक्ट नंबर का ही आप देख रहे हो या फिर गलत देख रहे हो, ठीक है। तो ये सेट डी है मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, विजडम टीथ का लास्ट मोलर, ऑप्शन ए। सेकेंड है आपका प्रेजेंस ऑफ RBC यूरिन में, तो करेक्ट आंसर है आपका हिमैट यूरिया। आपका कैरियर है डेंगू फीवर का, मेनिंजाइटिस का, करेक्ट आंसर है आपका ए डीज। इरेडिकेट करना है पोलियो को, तो कॉम्बिनेशन देने पड़ेगा लाइव एंड किल वैक्सीन का, ऑप्शन सी। ABC बेसिक लाइफ सपोर्ट है, मैंने आपको करा चुकी हूँ, इसमें था आपका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं ईच हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट फूड ड्रिंकिंग वाटर में आपको कौन सा क्लोरीन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ब्लड है डिसऑर्डर वे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है, तो सिकल सेल एनीमिया आपका, ऑप्शन नंबर डी। फॉलोइंग सेल इन्वॉल्व होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, टी सेल आपका। फाउंडर कौन नर्सिंग की, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मैं आपको बहुत बार बोल रहा था कि जरूर याद रखना, हर एक बच्चे ने आई श्योर की सही आंसर टिक लगाया होगा। सब्सटेंस कैन नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल वॉल से, ग्लोमेरुलस से कौन सा पास नहीं होगा, तो तीनों ही नहीं होते, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ओवम आपका। जो द फॉलोइंग पार्ट द ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, तो हाइपोथैलेमस। हैवी एक्सरसाइज के बाद में क्रैम्स होते हैं लैग्स में, किसके एक्यूमुलेशन से, लैक्टिक एसिड का, ऑप्शन नंबर बी। CPR में चेस्ट कंप्रेशन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ पे क्या आंसर अपना करेक्ट रखती है। बाकी जो जितना मैंने सर्च किया तो उस पर आपका 2 इंच पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में, विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। CPR किसे स्टैंड करता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन पे, ये आपको पहले ही टॉपिक करा चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए। स्टमक एपिथेलियल सेल्स कहाँ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है, ठीक है ये। विच इम्यूनोग्लोबिन पास होता है मदर से बेबी में, IgG। लेयर क्या स्किन की जो प्रोड्यूस प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया प्रोटेक्शन को अगेंस्ट बैक्टीरिया केमिकल से, तो बोलते हैं एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर ए 20 का। नेक्स्ट 21 का आपका चीयरफुल, किसका सिनोनिम है आपका हैप्पी का, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। 22 है आपसे फिल इन द ब्लैंक है, रवीना राइटिंग सिंस टेस्ट सिंस मॉर्निंग, तो आपका हैज बीन, ऑप्शन नंबर ए। पपी लिक द बाउल, बाउल वॉज लिक्ड बाय पपी, ऑप्शन नंबर बी। एंटोनियम पूछा है क्वाड का आपको, तो होगा ब्रेव। लवर ऑफ मैनकाइंड को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आपका पूछा है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी गुड की, तो बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी प्रोक्योरिंग बुक्स, आपका ऑप्शन नंबर सी इन दैट हाउस टू माई अंकल, ऑप्शन नंबर बी बिलोंग्स। यू मस्ट द करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन बिफोर द कंक्लूजन, आपका होगा एंश्योरेंस जंपिंग। आई हैव नॉट सीन सुजान सिक्स ईयर्स, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 4। वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो नहीं ले रहे हैं बिल्कुल, टिटोलर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका डिटेल प्लान ऑफ जर्नी एटीनरी, ITINERARY, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है दिस क्लास, नो एरर पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पूछा है मोस्ट यूनिवर्सिटीज इंसिस्ट टू अ हाई सेकेंड डिवीजन फॉर एडमिशन टू रिसर्च प्रोग्राम, इंसिस्ट ऑन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देयर का आपका अल्टरनेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी THEER देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्लाउड 9 बीइंग वेरी सैड, ऑप्शन नंबर बी बीइंग वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है आपका टू कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ऑप्शन नंबर बी मैनी। सिनोनिम पूछा आपका पीस का, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हारमनी। फिलैंथ्रोपिस्ट का होगा मिज़ेंथ्रोपिस्ट, अपोजिट मीनिंग। यहाँ पे आपसे स्टेशनरी की स्पेलिंग पूछे, तो कुछ लोग बोलेंगे ए आएगा यहाँ पे, तो वो अलग स्टेशनरी वर्ड है, ये अलग स्टेशनरी वर्ड है, आप मीनिंग चेकआउट कर सकते हो इसकी। उसमें आपका मेरा करेक्ट आंसर है वो आपका STATIONERY, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम कैट का, तो फैलेस। यहाँ पूछा है आपका कि जो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, एक्सट्रीम सॉल्ट में रहते हैं, तो करेक्ट आंसर है RK बैक्टीरिया। यहाँ पे आपसे पूछा है फंगल कंपोनेंट और ग्लाइकन का पूछा है आपसे, तो यहाँ पे होगा फाइकोबायोन माइकोबायोन, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आपसे पूछा है फायोफाइसी का, तो जेलीडियम। आपका 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनिलीडा। नेक्स्ट है आपका 46 का, तो करेक्ट आंसर है पिटॉर्पस, मैमरी ग्लैंड नहीं होते हैं। 47 का होगा लैमिना, किसमें वेन्स एंड विलनेट्स के भी जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है।
आपका नोन फेलोजन किसे बोलते हैं आपको, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर है कॉर्क कैम्बियम 48 का। 49 का आपको होगा लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में आपके एपिथीलियम फाउंड होती है। रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोट्स में, फूड की स्टोर्ड द फॉर्म में किसकी, आपकी इंक्लूजन बॉडी की, ऑप्शन नंबर बी 50 का। 51 का होगा आपका एल्यूरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी। 52 का है आपका काइटिन, 53 का है आपका 4 हैप्लॉइड सेल, 54 का है आपका ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोलाइज, 55 का है आपका बोरोन। ये आपका जो है यहाँ पे गलत आंसर, क्वेश्चन प्रिंट कर दिए गए, प्रोटीन की जर्मिनेशन होती ही नहीं है कभी, यहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन होना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या करती है, सब बच्चों को मार्क्स देती है इस पर या फिर जो भी होगा हम वो फ्यूचर में चेकआउट करेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें आपका इसलिए यहाँ पर नहीं होगा अभी। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन स्कैवेंजर इन द नोड्यूल ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, लाइक हीमोग्लोबिन, आपका 56 का डी। पिगमेंट एब्सेंट है एंटीने ऑफ ईच फोटोसिस्टम में क्लोरोफिल ए। नो एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है आपके यहाँ पे C3 साइक्लिंग, तो ऑप्शन नंबर बी का 3, ठीक है। साइटोग्लाइकोलाइसिस में होगा साइटोप्लाज्म, करेक्ट मैच पूछा है तो टारपीन का गिबरेलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछी बावल मूवमेंट की तो होगा डायरिया। मैक्सिमम अमाउंट पूछा है CO2 का ट्रांसपोर्ट दवाई बॉडी में तो होगा आपका बाइकार्बोनेट। ओपनिंग पूछिए राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल किससे गार्डेड होती है तो ट्राइकस्पिड वाल्व से, ऑप्शन नंबर बी। माइन्यूट वेसल पूछा है रन करता है पैरेलली हैनले लूप के तो वासा रेक्टा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी रिस्ट। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग कंटेन सेंटर फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर अर्ज और ईटिंग हाइपोथैलेमस, दो बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया सेम पेपर में। स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल है आपका स्टेप, ऑप्शन नंबर ए। हाइपरसिक्रेशन का ग्रोथ हार्मोन का प्यूबर्टी के बाद तो गिगेंटिज्म, ऑप्शन नंबर ए। पार्थोजेनेसिस किस में नहीं होती है तो कंगारू में नहीं होती है, ठीक है। टेस्ट सिचुएटेड होती है आउटसाइड द बॉडी, किस में होती है स्क्रॉटम में होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मेथड पूछा है कंट्रासेप्शन के लिए तो वेसेक्टमी होगा आपका। फादर ऑफ जेनेटिक ग्रिगोर मंडेल, ऑप्शन नंबर ए। 44 प्लस डबल एक्स वाई कंडीशन किस में होती है आपकी क्लिनिफिल्टर सिंड्रोम में। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल RNA। एक्सेप्शन पूछा नाइट्रोजनस बेस में तो यूरेसिल। डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, मैल्थस से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। स्टूल जो एक्सेस म्यूकस में होते हैं बोलते हैं एमीबायोसिस। ड्रग पूछा है यहाँ पे पेपर सोमिनिफेरम जो ऑब्टेन होता है उससे तो होता है आपका मॉर्फीन। स्विस चीज जो प्रोड्यूस होती है एक्शन से प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शार्मनी से। मैथड इसमें सेल बॉम्बार्डेड होते हैं आपके हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बायोलिस्टिक, ऑप्शन नंबर ए 80 का। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग डिप्लॉयड पूछा है तो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस सिनगैमी, ठीक है। यहाँ पूछा है कि सेम ब्रीड होगी आपकी, क्रॉस भी सेम ब्रीड, कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है 4 से 6 जनरेशन तक भी, तो होगा आउट ब्रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी। 200 फ्रॉक्स का पूछा है आपसे तो 0.2 फ्रॉक क्वेश्चन का। सॉरी पैरासाइट जो केपेबल है लीव करने का बिना होस्ट भी बोल देंगे फैकल्टेटिव। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम में क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, 85 का सी। 86 का होगा आपका पोल्यूशन। 87 का होगा आपका BOD स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नॉर्मल मेल मैरी करेगा फीमेल्स को 50% चांस होगा, ऑप्शन नंबर बी 88 का। फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। स्टार्ट कोडोन AUG आपका क्या होगा, मैथियोनिन। 91 का होगा आपका मैग्नीफेरा का ऑर्डर क्या, इंडिका का सैपेंडेल होगा। इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट हाइपनोगस फ्लावर परफॉर्म होते हैं, रोज में, ठीक है। इसमें रॉन्ग आपका पूछा है तो होगा कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, जो वायरल डिजीज नहीं है बैक्टीरियल डिजीज है, यही गलत है आपको यहाँ पे। फ्लोरिडा स्टार्च किस में स्टोर करता है फूड को, ग्रेसिल एरिया में। फाइलम सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा एनिमल किंगडम का, मोलस्का। एनर्जी करेंसी किस में फॉर्म होती है, ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, सॉरी 2-फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट करता है फॉस्फो फाइनल पिरोवेट में, ऑप्शन नंबर 97 का सी। 98 का सॉरी वाटर लिली होगा आपका, वाटर पॉलिनेट प्लांट है। यूज के होते हैं CFCs के, तो ऑल ऑफ द अबव। लास्ट है आपका बरिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट को होगा राइज ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। तो दोस्तों अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ताकि हम एक एनालिसिस कर पाएँ कि कितने बच्चे ऐसे उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कराए, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। बाकी PA वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है सच में, जब से आपका पेपर हुआ है 12 बजे के बाद से, तब से मैं पूरे आपके आंसर्स को चेकआउट करने में और रेफरेंसेस भी एक जगह का नहीं, अदर अदर बुक्स का रेफरेंसेस, आपका सर्च इंजन गूगल, आपके बहुत सारे जगह का रेफरेंस लेने के बाद मैंने आपको ये आंसर्स बताया, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको, अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर कर देना, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।